नमस्कार तरतरब यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। वहीं आज बात कर रही है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर मसे सियासी घमासान राजनीति के संकट में बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आज हुए दलीलों के बाद में कमलनाथ की सरकार ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्लान सी शुरू हो चुका है। जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश के अंदर चलाकर कमलनाथ की सरकार का खात्मा किया गया था, उसी प्रकार अब मध्य प्रदेश के अंदर मां अखाड़ी की बनी सरकार एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार के लिए भी अब भाजपा पार्टी कैंपेन शुरू कर दिया गया है। वहीं मां अखाड़ी की बनी सरकार, आपको बता दें कि अभी 3 महीने का समय हुआ है और सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या भी गए थे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ से लौटे और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में ही रहेगी। हालांकि वो बीजेपी से अलग भले ही हुए, राष्ट्रवाद का मतलब भाजपा नहीं है, लेकिन वो फिर भी राष्ट्रवादी पार्टियों के लिए ही काम करेंगे। इसी के चलते शरद पवार और सोनिया गांधी की मतभेदना भी दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे के बीच में, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे फैसला ले रहे हैं, यानी कि कुछ दिन पहले NPR और CAA को लेकर PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद में उद्धव ठाकरे का मीडिया से सबरू बयान आया था कि वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर NPR और CAA को जल्द ही लागू करेंगे। तो दूसरी तरफ शरद पवार ने ये भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को कोई फैसला लेना है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर तीनों ही पार्टियों की एक बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय किया जाएगा कि वो फैसला लागू होगा या फिर नहीं होगा। अकेले उद्धव ठाकरे फैसला नहीं ले सकते हैं, तभी मतभेद सामने दिखाई दे रही है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, वो भी इसी मुद्दों के ऊपर भी चला था, क्योंकि कांग्रेस खेमे के दिग्गज युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लोकसभा के चुनाव हारने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें राज्यसभा के अंदर नहीं भेजा जा रहा था और तभी से उनकी राजनीति को जहां खतरा भांप लग चुका था उन्हें, तब से उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था और मतभेदरा भी दिखाई दे रही थी, बनती कम नजर आ रही थी। जिसके चलते बीजेपी पार्टी ने पूरी तरह से प्लानिंग शुरू कर दी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए, और आखिरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के साथ हो गए और उनके खेमे के 22 और विधायक थे, उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है और भाजपा पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँच चुकी है और आज फ्लोर टेस्ट भी होना था कांग्रेस का मध्य प्रदेश की सरकार का, लेकिन अभी कमलनाथ की सरकार ने 2 हफ्तों का समय और मांगा है कि वो दल बदल कानून का सहारा लेकर इन मंत्रियों को वापस जोड़ पाएगी या फिर नहीं जोड़ पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि जल्दी राज्यपाल लालजी टंडन और मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ की सरकार जल्दी एक्शन ले और फ्लोर टेस्ट कर बहुमत साबित करे, अन्यथा सरकार को गिरा दिया जाएगा और गिराते समय भी नहीं लगेगा। जिसके बाद में उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर हामी भरी कि 2 हफ्तों के अंदर ही वो पूरी तरह से साबित करेंगे फ्लोर टेस्ट और बहुमत, लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह ने कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है और वो तरह तरह के बहाने भी बना रही है। तो दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र राज्य के अंदर मां अखाड़ी की सरकार बनी है, बीजेपी से गठबंधन तोड़ के शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करके शिवसेना पार्टी के साथ NCP और कांग्रेस का गठबंधन किया है, और वहीं से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के और अजीत पवार के साथ में 20 MLA भी इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो गए, जो उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका भी माना जा रहा है सियासी राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति में। और जल्द ही देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के विधायक महाराष्ट्र में अब प्लानिंग शुरू कर चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया है कि महाराष्ट्र के अंदर भी उनके साथ में कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में भी आ रहे हैं। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश के अंदर जहां भाजपा पार्टी को एक युवा और नेता मिला है, उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के अंदर भी
वो योगी की चाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्लान के मुताबिक काम करेगी ताकि उद्धव की सरकार को भी एक साल के अंदर गिरा दिया जाए। अगर आप भी महाराष्ट्र के अंदर फिर से भाजपा की सरकार देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि अपडेट हम लेकर आते रहे। लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और गुजरात इन 6 राज्यों के अंदर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में अभी 26 मार्च को राज्यसभा के चुनाव है और इन राज्यसभा के चुनावों में ही भाजपा पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुंच रहा है, तो कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका भी लग रहा है। एक मध्य प्रदेश का झटका लगने के बाद अब गुजरात के अंदर भी 4 MLA ने इस्तीफा दे दिया है और झारखंड के अंदर भी इस्तीफा और मंत्री पद को लेकर संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है, जो मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा झटका देने के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को झटका देने की प्लानिंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और दिग्गज नेता भी वहाँ पहुँच चुके हैं झटका देने के लिए। देखना ये होगा कि अब महाराष्ट्र के अंदर कब झटका दे पाती है बीजेपी, क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह खुद भी पहुँच चुके हैं इन चुनावी मतदान के अंदर, क्योंकि अभी NPR, CAA और NRC को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था और कई राज्यों के अंदर विधानसभा के अंदर उनके बिल भी पारित किए गए हैं कि वो अपने राज्यों के अंदर लागू नहीं करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि अब जिन जिन राज्यों के अंदर बिल पारित किए गए हैं उनकी खिलाफ मोदी सरकार क्या एक्शन ले पाती है या फिर नहीं लेती है। लेकिन अभी उद्धव सरकार को गिरने के लिए पूरी प्लानिंग तय हो चुकी है और महाराष्ट्र के अंदर अब उद्धव ठाकरे NCP और कांग्रेस का गठबंधन तोड़ के फिर से भाजपा की सरकार बनाई जाएगी और देवेंद्र फडणवीस को फिर से CM बनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। तो दूसरी तरफ अभी मध्य प्रदेश के अंदर फ्लोर टेस्ट भी होना बाकी है, क्योंकि कमलनाथ की सरकार को फ्लोर टेस्ट में बड़ा झटका भी लग रहा है और फ्लोर टेस्ट के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर भी शिवराज सिंह की सरकार बनाई जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई मंत्रियों के बयान भी सामने आ चुके हैं कि पार्टी के द्वारा हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी उन मंत्रियों को भाव भी नहीं दे रही थी और आखिरकार उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर अभी 15 माह का समय हुआ है और कमलनाथ की सरकार को और कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका भी दिया गया। वहीं अब महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव के खिलाफ पूरी प्लानिंग तय हो चुकी है और खबर ये सामने आ रही है कि 45 से 27 विधायक BJP के संपर्क में बताए जा रहे हैं और जल्द ही सरकार बनाने की पूर्ण संभावना और तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस चलाया गया था उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के अंदर जय श्री राम के नाम से कैंपेन शुरू कर दिया गया है उद्धव सरकार के खिलाफ में। वहीं NCP और कांग्रेस का कहना है कि वो उन्होंने CA और NPR के खिलाफ उद्धव ठाकरे से गठबंधन किया था। अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में CA और NPR को लागू करते हैं तो गठबंधन भी तोड़ देंगे वो महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर। वहीं कई वर्षों से चल रहे इस शिवसेना और BJP के गठबंधन को तोड़कर उद्धव ठाकरे ने जो BJP के साथ में किया उसके बाद में उनके भाई राज ठाकरे ने भी अलग से अपनी पार्टी MNS बनाकर नया झंडा भी पारित कर दिया और उनके बेटे को भी चुनावी माहौल के अंदर उतार दिया गया और उद्धव ठाकरे पर लगातार बयानबाजी भी कर रही है राज ठाकरे। अब देखना ये होगा कि राज ठाकरे की प्लानिंग कहाँ तक सही हो पाती है, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर अब दिग्गज नेता प्लानिंग के तहत बड़े मूड में नज़र आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा झटका भी दिया जा रहा है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए अब महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान देखने को मिल सकता है अगले 5 से 10 सालों, यानी कि राज्यसभा चुनाव होने के बाद 26 मार्च के बाद में बड़ा घमासान देखने को भी मिल सकता है और उद्धव ठाकरे का ऐलान भी हो सकता है कि वो फिर से भाजपा के साथ में गठबंधन करके लौट जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हमेशा की तरह मतभेद जब भी मीडिया से रूबरू होती है और राजनीतिक विश्लेषण सामने आते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर घमासान ही मचा रहता है। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच में, क्योंकि जहां तक कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अभी हाल ही में विधानसभा के बजट को पेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई प्लानिंग थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अभी मुस्लिम लोगों को आरक्षण दिया जाएगा 10% का, लेकिन शिवसेना ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद में बड़ा झटका भी दिया गया था कांग्रेस
सरकार को, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री अलग ही बयान दे रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में कब तक बीजेपी अपना नया कैंपेन शुरू करके सरकार गिरा पाएगी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में शिवसेना के कई कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर भी शामिल हुए थे जब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था और सीएम की शपथ ली थी। लेकिन अब शिव सैनिक भी अब भाजपा पार्टी के साथ में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और अजीत पवार के साथ में 20 एमएलए भी बीजेपी के अंदर ज्वाइन भी हो चुके हैं, जो बड़ा झटका भी दिया जा रहा है शिवसेना पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। जहां सोनिया गांधी और शरद पवार की राजनीति नहीं चल रही है, उद्धव ठाकरे अलग से फैसला ले रहे हैं, लेकिन शरद पवार का कहना है कि उद्धव ठाकरे अगर अलग से फैसला लेंगे तो उनके साथ में गठबंधन कतई नहीं रखेगी भाजपा पार्टी के साथ में, और वो फिर से अजीत पवार के साथ मिलकर नई सरकार बनाएगी महाराष्ट्र के अंदर, जो शिवसेना और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी दिया जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आगे जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में।